हेलो फ्रेंड, ग्लिंकी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी। तो पाव भाजी के लिए यहाँ पर मैंने कुछ सब्जी ली है, जिसमें बीटरूट है, गाजर है, आलू है और शिमला मिर्च है। टमाटर यहाँ मैंने दो लिए हैं जो मीडियम साइज़ के थे, मैंने उसे काट लिया है मोटा मोटा ही। और यहाँ पत्ता गोभी भी मैंने लिया है। तो इन सबको मैं कुकर में डाल रही हूँ और एक साथ बॉईल कर लूँगी। ये बहुत जल्दी बनता है और बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगा। तो देखिए, मैंने इसमें एक चम्मच नमक डाला है। अब हम इसमें पाव भाजी मसाला डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने डाल दिया है एक छोटा चम्मच। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। एक गिलास पानी मैंने डाल दिया है इसमें, ताकि अच्छे से बॉयल हो जाए। और इसके पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इस पानी को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हम इसमें 3 चम्मच तेल डाल देंगे और हम इसमें बटर डाल रहे हैं 1/2 चम्मच के करीब। मैंने इसमें बटर डाल दिया तो इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। तो थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, मेल्ट होने देते हैं थोड़ा बटर को। अब हम इसमें फ्रेंड जीरा डाल देंगे और जीरा को थोड़ा सा चटकने देते हैं। तब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज काटा है जो मीडियम साइज़ का था, वो प्याज मैंने इसमें डाल दिया है। तो हम इसे थोड़ा भून लेते हैं, इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए तब तक। तो देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा कलर आ गया है। और यहाँ पर देखिए, मैं सब्ज़ी को निकाल रही हूँ थोड़ा ठंडा करने के लिए। देखिए, इसमें अच्छा कलर आ गया। हमने इसमें डाला अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब हम इसे भी एक बार भून लेते हैं। तो फ्रेंड, मैंने देखिए इसमें डाला है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, ये जो हम रेगुलर यूज करते हैं वही लाल मिर्च है। और 1 चम्मच है ये पाव भाजी मसाला। तो हम इन सबको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा पानी भी डाल दूंगी, जो मैंने बॉईल किया है ना, वो कुकर में पानी है, मैं उसी पानी को इसमें भी डाल रही हूँ, ताकि मसाला जले भी नहीं और अच्छे से भून जाए, कलर भी आ जाए। जो बीटरूट मैंने डाला है सब्जी उबालने में, तो उसका जो कलर है बहुत अच्छा रेड कलर आया है फ्रेंड, तो वही पानी है। तो इसमें डालकर भूनेंगे तो उससे कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है, और पानी में तो पूरा फ्लेवर ही है मसाले का। तो ये देखिए, मैंने इसे जार में डाला है अभी। देखिए मसाले का कलर कितना अच्छा आया है फ्रेंड। देखिए, मैंने इसे जार में ऊपर चला लिया है, जो सब्जी को मैंने बॉईल किया था। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे इसमें। जार में मैंने इसलिए डाला फ्रेंड कि ये जल्दी से बन जाए और अच्छे से हो जाता है मिक्स, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने जार में जो बची हुई थी, मैंने उसे भी कुकर में जो पानी थी, मैंने उसे अच्छे से धोकर डाल दिया है। वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने इसे डाल दिया। मैंने इसमें 1/2 चम्मच बटर डाला है और थोड़ा सा दूसरा नमक। तो नमक आप अपने हिसाब से डालें फ्रेंड, मैंने उस टाइम में भी डाला था 1 चम्मच नमक, अभी मैंने थोड़ा सा डाला है। तो अच्छे से हम भूनेंगे इसे। देखिए, अच्छे से भून रहा है ये। यहाँ पर मैंने 1/2 कप पानी डाला है, ये बहुत गाढ़ी थी। तो अच्छे से हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। और देखिए, मैंने इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर दिया है, ये बहुत गाढ़ी है अभी। तो बस अब इसी तरीके से पकाना है। अब ये अच्छे से बन गई है। तो मैंने इसमें डाला है अभी पाव भाजी मसाला और हम इसे 2 मिनट तक और पकाएंगे। लास्ट में मैंने पाव भाजी मसाला इसलिए डाला है फ्रेंड कि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर रहेगा बना हुआ, बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे आप बनाएंगे तब। अब एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से बनाकर पाव भाजी। अब इसमें मैं कटा हुआ धनिया पत्ता डाल रही हूँ और यहाँ मैं लेमन जूस भी डालूँगी इसमें। तो लेमन जूस डालने से ही फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और आपके पास टमाटर ज़्यादा यूज करते हैं तो आप टमाटर इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं फ्रेंड। तो देखिए, सब्जी को मैंने हटा दिया है, साइड कर दिया, सब्जी बन गई है। तो अब मैं इसमें पाव को सेकूंगी। तो मैंने यहाँ बटर गर्म किया है, इसमें धनिया पत्ती डाल रही हूँ और इसमें पाव भाजी मसाला भी डाल दूँगी थोड़ा, इससे बहुत ही अच्छा लगेगा पाव का टेस्ट। तो एक तरफ से मैंने सेक लिया है, दूसरी तरफ से सेक कर मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में सर्व करने के लिए। यहाँ देखिए फ्रेंड, मैंने इसे सर्व किया है 1 टुकड़ा नींबू के साथ में और कच्चे कच्चे प्याज को मैंने इसमें डाला है, इससे बहुत अच्छा लगता है खाने में पाव भाजी।
तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइए फ्रेंड अपने घर में, बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगा। और आप फ्रेंड मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।